हाय फ्रेंड्स, डेलिकेसीज ऑन द प्लेट में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी एक अलग तरीके से इडली। इसे मैंने इटालियन फ्यूजन दिया है। इसे इटालियन गार्लिक ब्रेड की तरह इडली एक्जोटिका नाम दिया हुआ है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस टेस्टी डिश को। इस डिश को बनाने के लिए मैंने इडली के बैटर को एक थाली में स्टीम करके पकाया है, नमक स्वाद अनुसार अगर आपको ज़रूरत पड़े तो। फिर कुछ सब्जियां हैं जैसे ब्लैक ऑलिव्स जिसे बारीक काट लिया है, शिमला मिर्च और प्याज उनको भी बारीक काटा है, किसा हुआ मोज़रेला चीज़ है, एक कप यानी कि 100 ग्राम बटर है जिसे रूम टेम्परेचर पर रख लिया है, एक बड़ा चम्मच दरदरा पिसा हुआ लहसुन, ऑरिगैनो मिक्स्ड हर्ब्स और चिली फ्लेक्स। और अब मैं क्या करूँगी, एक कटोरी की सहायता से इस इडली के बैटर को इस तरह से छोटे छोटे डिस्क की जैसे काट लूँगी। इडली को थाली में पकाने से उसे एक फ्लैट सरफेस मिल जाता है। इसके ऊपर टॉपिंग लगाकर मैं बेक करूँगी, तो इसलिए इसका एक फ्लैट सरफेस होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब थोड़ा सा चाकू घुमाकर एक बार ये देख लें कि ये पूरी तरह कट चुका है और फिर ये आसानी से निकल जाएगा। प्लेट पर मैंने अच्छे से तेल लगाकर ग्रीस कर लिया था, तो इस वजह से ये इडली आसानी से निकल जाएगा। इसकी थिकनेस भी आप देख सकते हैं कि एकदम गार्लिक ब्रेड की तरह है। और अब इस बैटर में मैं हल्का दरदरा पिसा हुआ लहसुन, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, मिक्स्ड हर्ब्स और ऑरिगैनो डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। नमक जो थोड़ा तेज़ खाना पसंद करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे लिए यहाँ पर नमक मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं किया हुआ है एक्स्ट्रा, क्योंकि बटर में भी नमक होता है, मोज़रेला चीज़ में भी नमक होता है और इडली के बैटर में भी नमक है। बारीक कटे हुए सब्जियों पर भी मैंने हल्का सा नमक छिड़क लिया है। अब ये पेस्ट तैयार है, इसे मैं इडली के ऊपर इस तरह से थोड़ा सा लेयर इस तरह से अच्छी तरह फैला लूँगी, तो इससे एक बहुत अच्छा गार्लिकी फ्लेवर मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, पर्याप्त मात्रा में आप लगाएं। और अब इसके ऊपर मैं किसा हुआ मोज़रेला चीज़, तो इससे इसको एकदम गार्लिक ब्रेड वाला फ्लेवर मिलेगा। जैसे कि चीज़ी गार्लिक ब्रेड बनता है वैसे। और अब इसे मैं बेकिंग ट्रे पर इस तरह से शिफ्ट कर लूँगी। ट्रे पर भी मैंने अच्छे से तेल लगा लिया है। अब इन इडलियों पर बारीक कटा हुआ सब्जी इस तरह से फैला लूँगी। और इसके ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ऑरिगैनो और मिक्स हर्ब्स छिड़क लूँगी। और फिर इसे प्री हीट ओवन में 180 डिग्री पर करीब 15 से 20 मिनट के लिए बेक कर लूँगी, या तब तक जब तक कि इसका बेस जो है एकदम कुरकुरा ना हो जाए। मिक्स हर्ब्स ऑरिगैनो से बहुत अच्छा फ्लेवर मिलता है और चिली फ्लेक्स से एक हल्का सा तीखापन जो बहुत टेस्टी लगता है। बेक होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कि चीज़ अच्छी तरह मेल्ट हो गया है और इसका रंग भी हल्का सुनहरा हो गया है। इसका बेस भी नीचे से काफ़ी क्रिस्पी हो गया है, तो ये एकदम तैयार है सर्व किए जाने के लिए। आप अपनी पार्टीज़ में सर्व करें और सबको इम्प्रेस करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए इस तरह की और भी बहुत सारी टेस्टी रेसिपीज़ के लिए। बेल बटन दबाना ना भूलें, इससे आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा।